हवाई जहाज पहली बार पहुंचे हैं, रेल कनेक्टिविटी पहली बार पहुंची है, कई जगह बिजली भी पहली बार पहुंची है। चौड़े नेशनल हाईवे बन रहे हैं, गांव की भी सड़कें बन रही हैं, नदियों पर बड़े बड़े पुल बन रहे हैं, डिजिटल इंडिया का विस्तार हो रहा है। सबका साथ सबका विकास के मंत्र पर चल रही हमारी सरकार क्षेत्रीय असंतुलन उसको दूर करने और पूर्वोत्तर और पूर्वी भारत को देश की ग्रोथ स्टोरी का इंजन बनाने के लिए पुरजोश मेहनत कर रही है। हम इसके लिए प्रतिबद्ध हैं। इसी विजन के तहत सिक्किम को अपना एयरपोर्ट देने के काम हमने तेज किया, अड़चनों को दूर किया और आज आपका सपना पूरा हुआ है। वरना आप भी भलीभांति जानते हैं, करीब करीब 6 दशक पहले एक छोटा सा जहाज यहां से उड़ा था। उसके बाद 6 दशक तक आपको एयरपोर्ट के लिए इंतजार ही इंतजार करना पड़ा। साथियों, सिक्किम ही नहीं, अरुणाचल समेत देश के अनेक राज्यों में नए एयरपोर्ट बने हैं। जैसे कि पहले ही मैंने शुरू में बताया कि आज हमारे 100 एयरपोर्ट चालू हो गए हैं और आपको जानकर के हैरानी होगी, इसमें से 35 एयरपोर्ट पिछले 4 साल में बने हैं। आजादी के बाद से 2014 तक तेज गति से काम होने का मतलब क्या होता है, चारों दिशाओं में काम होने का मतलब क्या होता है, विजन के साथ काम करने का मतलब क्या होता है, इस एक उदाहरण से आप समझ पाओगे। आजादी के बाद से 2014 तक यानी 67 साल में 65 एयरपोर्ट थे, 67 ईयर में 65 एयरपोर्ट, यानी कि एवरेज एक साल में एक हवाई अड्डा। बात समझ आ रही है आपको? मेरी बात आपको समझ आ रही है? एक साल में एक हवाई अड्डा, ये उनकी गति थी, ये उनकी सोच थी। बीते 4 वर्षों में एक साल में 9 एयरपोर्ट उड़ान के लिए तैयार हुए।